नमस्कार, स्वागत आपका पांच शहर पांच खबर में। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश से पांच बड़ी खबरें आपको बताने जा रहे हैं, जिन पर दिन भर हमारी नजर होगी। पांच तस्वीरें सबसे पहले आप देख लीजिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सबसे पहले बताएंगे मध्य प्रदेश से शुरू हुए एनर्जी स्वराज यात्रा की, जिससे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दूसरी खबर में बात होगी निकाय चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की तैयारियों और नाम वोटर लिस्ट में जोड़े जाने को लेकर और हटाने जाने को लेकर अभियान शुरू हो गया है। तीसरी खबर में बात होगी किसान आंदोलन और बीजेपी नेता के बयान की। चौथी खबर में बात निवार तूफान के मध्य प्रदेश में पड़ते असर की। पांचवी और अंतिम खबर में बात होगी मध्य प्रदेश में बेकाबू होते कोरोना और कोरोना वैक्सीन के ट्रायल की। तो राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एनर्जी स्वराज यात्रा का शुभारंभ किया है। प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी और एनर्जी स्वराज फाउंडेशन और मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम के इस कार्यक्रम में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि पर्यावरण प्रदूषण की वजह से धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है, समुद्र अपनी सीमा तोड़ रहा है, जिसके नुकसान हम सबको भोगने होंगे। इसलिए हमें सबको आगे आना होगा और धरती के अस्तित्व को बचाने के लिए सौर ऊर्जा के बारे में सोचना होगा। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने सौर गांधी के नाम से मशहूर प्रोफेसर चेतन सोलंकी की जमकर तारीफ की और उनके सराहनीय कार्य के बारे में भी उन्होंने बात की। मुझे दिखाया, मैं तो ऊपर सोलर पैनल बिछा दूं तो बाकी बाहर की बिजली की जरूरत ही नहीं। हमें भी एक ऐसी घर बनवा दो, संजय डिजाइन करो, विभाग डिजाइन करे। हम कोशिश करें कि घर की ऊर्जा का उपयोग, अगर बिजली जलाने का, पंखा चलाने का, टीवी का, अगर सोलर पैनल ही बन सके तो कहां चक्कर तो पड़े। इसलिए अलग कार्यक्रम हाथ में लिया जा सकता। अगर सोलर लैंप बनाइए, लाखों की संख्या में लोगों को प्रेरित किया जाए, विद्यार्थियों को प्रेरित, हम इसमें आगे और नया प्रयोग करना चाहेंगे। और किसान को भी ऊर्जा की, हमारी बिजली का जो बिल है, वो बिजली का जो सब्सिडी है वही 17-18 हजार करोड़। सोलर एनर्जी का एक उपयोग हो जाए, इसके खर्चे घट सकते हैं। उस दिशा में हम और काम करेंगे। तो सौर ऊर्जा की तरफ आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश के कदम, एनर्जी स्वराज यात्रा का शुभारंभ और ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग भी वहां मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने पर्यावरण प्रदूषण की वजह से धरती का तापमान लगातार बढ़ना भी बताया और इसे कैसे कंट्रोल किया जाए, जिसको लेकर सौर ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाए, तमाम बातें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर कर रहे थे। उन्होंने खास तौर पर पर्यावरण प्रदूषण और धरती का अस्तित्व कैसे बचाया जाए, इस तरह के शब्दों को भी अपनी बातों में रखा और मशहूर प्रोफेसर चेतन सोलंकी की जमकर उन्होंने तारीफ की। वैभव गुप्ता विशेष संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद है। इस कार्यक्रम को करने की वजह और आगे जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान साहब ने कहा कि पर्यावरण को बचाने की तरफ एक कदम और, सौर ऊर्जा का कैसे उपयोग किया जाए, इसको लेकर सरकार ने किस तरह का रोड मैप बनाया है और क्या कुछ फायदे आगे आप देख रहे हैं? बिल्कुल, प्रोफेसर चेतन सोलंकी वो नाम है जिन्हें सोलर मैन के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने ऊर्जा स्वराज का नाम दिया, सौर गांधी का भी जाना जाता है, क्योंकि गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए सौर ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किस तरीके से किया जा सकता है, सौर ऊर्जा को संरक्षित किस तरीके से किया जा सकता है, ये सारे काम चेतन सोलंकी के द्वारा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के झागरिया के पास एक निमेत गांव है, वहां से चेतन सोलंकी आते हैं और उन्होंने बेल्जियम तक की पीएचडी की है, बॉम्बे आईआईटी में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं और विश्व के करीबन 30 देशों की यात्रा कर चुके हैं और सोलर एनर्जी के क्षेत्र में भारत किस तरीके से आगे बढ़ सके, इसको लेकर उन्होंने स्वराज एनर्जी फाउंडेशन की स्थापना भी की। चेतन सिंह सोलंकी आज निकल गए हैं, जिस यात्रा को हरी झंडी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिखाई। 11 साल अपने परिवार से दूर रहेंगे। आज के टाइम में हम देखते हैं कि कोई 15 दिन या 20 दिन से अपने परिवार से दूर नहीं रहता और ऐसे में पर्यावरण को बचाने के लिए 11 साल तक चेतन सोलंकी दूर रहेंगे। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चेतन सोलंकी के द्वारा जो काम किया जा रहा है वो अभूतपूर्व है, उनके परिवार के द्वारा जो बलिदान दिया जा रहा है वो बेहद अभूतपूर्व है। उसके साथ ही सौर ऊर्जा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चेतन सोलंकी को मध्य प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है और चेतन सोलंकी से नावी टीवी ने बात भी की। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के माध्यम से मैं स्वरोजगार भी बढ़ाना चाहता हूँ और जो हमारा निर्भरता है बिजली को, जो ज्यादा से ज्यादा लगातार बढ़ती जा रही है, उस निर्भरता को भी हमें कम करना है, इसलिए यात्रा निकाली जा रही है। 28 राज्यों से यात्रा गुजरेगी, पौधारोपण किए जाएंगे, 1 लाख के पौधे रोपे जाएंगे और लोगों को बताया जाएगा कि किस तरीके से
सोलर ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके पर्यावरण को बचाया जा सकता है। क्योंकि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि 2050 तक 2 डिग्री तापमान बढ़ने की संभावना है और हम देख रहे हैं कि सारे मौसम अपने जो नियत समय होता है, बारिश के मौसम में बारिश नहीं होती है, सर्दी पड़ती है, तो सारे मौसम 1 महीने आगे खिसक चुके हैं। ग्लोबल वार्मिंग के हम इफेक्ट देख रहे हैं कि किस तरीके से दक्षिण उत्तर के जो राज्य होते हैं वहां पर बेमौसम बारिश हुई, 17 लोगों की मौत हुई गई। जिस मौसम में सर्दी पड़नी चाहिए तब बारिश होती है, जब बारिश होनी चाहिए तब गर्मी पड़ती है। तो जो इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का भी हम लगातार देख रहे हैं। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि एसी का यूज ज्यादा हो रहा है, इसके साथ ही रूम हीटर, गीजर, इससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, जो कहीं ना कहीं ओजोन परत पर उसका सीधा सीधा नुकसान होता है। तो अगर हमें पृथ्वी को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, तो सोलर ऊर्जा का ज्यादा से इस्तेमाल करना होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया इस कार्यक्रम में कि 2010 में नवकरणीय ऊर्जा विभाग बनाया गया, वर्तमान में 5000 मेगावाट सोलर ऊर्जा के माध्यम से उत्पादन होता है, जिसको अगले कुछ सालों में 10000 मेगावाट तक करने की कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है। बिल्कुल, यानी काफी एक अच्छे काम की तरफ सरकार के कदम बढ़ते हुए सौर ऊर्जा के बारे में अब लोगों को और जागरूक करना होगा, क्योंकि हम सौर ऊर्जा का उपयोग अगर घर घर में भी कर रहे हैं वैभव, तो बहुत ही लिमिटेड लोग हैं जो सोलर एनर्जी का उपयोग करते हैं अपने घरों में भी, लेकिन उन्हें भी अगर जागरूक करें तो काफी हद तक सौर ऊर्जा का उपयोग गाँव गाँव तक होगा। बिल्कुल, जब हम सूर्य की उपासना कर सकते हैं तो सूर्य के माध्यम से जो क्लीन एनर्जी मिलती है उसको भी सुरक्षित रख सकते हैं। और इसको सुरक्षित रखने में केवल अपने आप को आपको जागरूक करना होगा, बहुत ज्यादा पैसे खर्च नहीं होते हैं। सरकार का नवकरणीय ऊर्जा विभाग है, वो लगातार प्रयास कर रहा है, जागरूकता की जा रही है गाँव गाँव में। हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम में बताया कि ओंकारेश्वर जो बांध है वहाँ का जो पानी है वो भाप बनकर कम हो रहा था, तो इस पानी को बाष्पीकरण से बचाने के लिए पानी के ऊपर ही सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे पानी का वाष्पीकरण भी रुकेगा और सोलर और जो सौर ऊर्जा भी बन सकेगी। तो सरकार के द्वारा नए नए नवाचार किए जा रहे हैं इस क्षेत्र में, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। और जिस तरह से चेतन सोलंकी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में, एक बड़ा अच्छा कदम है सरकार के द्वारा, क्योंकि लंबे समय से काम कर रहे चेतन सोलंकी पर्यावरण को बचाने के लिए। स्वराज एनर्जी फाउंडेशन की स्थापना भी इनके द्वारा की गई है, मुंबई IIT में पढ़ाते भी है और विश्व के 30 देशों की यात्रा कर चुके हैं। सोलर एनर्जी का उपयोग किस तरीके से बढ़ सकता है इसको लेकर, तो इनके अनुभवों का लाभ लेकर अब सरकार सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम करना चाहती है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो कितना सरकार इन कामों को, इन बातों को इम्प्लीमेंट कर पाती है। क्योंकि चेतन सोलंकी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि भारत बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, लेकिन जितना भी पीछे उसे आगे आने की जरूरत है, और आगे अगर आना है सबको कंधे से कंधे मिलाकर काम करना होगा, तभी हम सौर ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर पाएंगे। बिल्कुल, तो एनर्जी स्वराज यात्रा का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर दिया है और आगे इस पर इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होता है ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया वैभव जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव से पहले प्रशासन ने वोटिंग लिस्ट को अपडेट करना शुरू कर दिया है। इसी के तहत राजधानी भोपाल के 2011 मतदान केंद्रों में आज से 24 दिसंबर तक बूथ लेवल ऑफिसर बैठ कर मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने, हटाने और पता संशोधित करने का काम करेंगे। इतना ही नहीं, अगर BLO मतदान केंद्रों में बैठे दिखाई ना दें तो उसकी शिकायत BLO संबंधित क्षेत्र के SDM से कर सकते हैं। BLO और BLA आपसी सामंजस्य से काम करें ताकि इस समय में मतदाता सूची का काम पूरा हो जाए। दरअसल भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार फोटो युक्त मतदाता सूची में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य शुरू कर दिया गया है। इसको लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय में बुधवार को राजनीतिक पार्टियों के साथ स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में बताया गया कि बुधवार 25 नवंबर से 24 दिसंबर तक मतदाताओं के नाम जुड़वाने, हटाने और संशोधित कराने के लिए दावे आपत्ति ली जाएंगी। इसके लिए 1 जनवरी 2021 की स्थिति में नागरिक की आयु 18 वर्ष पूर्ण होना चाहिए। साथ ही दावे आपत्ति प्राप्त करने के लिए अवकाश दिवसों में 12, 13, 19 और 20 दिसंबर को विशेष कैंप लगाए जाने के आदेश भी कलेक्टर ने दे दिए हैं। तो देखिए, वैसे तो ये रूटीन प्रोसेस है, लेकिन अब स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है और इसमें नए नामों को जोड़ना, हटाना, जो अब इस दुनिया में नहीं है उनके नामों को हटाया जाएगा, पतों जो एड्रेस है उनको संशोधित करना है तो वो भी होगा। अगर BLO अपनी सीट पर नहीं दिखाई देते हैं, कार्यालय के अंदर नहीं दिखाई देते हैं, तो BLA में इसकी शिकायत भी की जा सकेगी। अंकुर अधवरी विशेष संवाददाता हमारे साथ इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद हैं। अंकुर, प्रोसेस तो हालांकि हमेशा होता है, लेकिन इसमें आप नया क्या देख रहे हैं, आगे किस तरह से काम काज होगा? शिकायत करने की बात भी कही जा रही है कि BLO अपना काम करते हुए नहीं दिखाई देंगे, तो BLA में शिकायत भी की जा सकती है। अंकुर,
कैसे बिल्कुल नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए मतदान केंद्रों पर जाकर जो लोग नाम जुड़वाना चाहते हैं, कई बार ये स्थिति बनती थी कि बीएलओ वगैरह नाराज रहते थे, मिलते नहीं थे, इसकी कई बार चुनाव आयोग को शिकायतें भी पहुंची थी। उसके बाद एक बैठक आयोजित की गई और उस बैठक के बाद तय किया गया है कि किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया होगी। कलेक्टर ने सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ और ये बैठक की है प्रशासनिक अधिकारियों के साथ। 2011 के मतदान केंद्रों में आज से 24 दिसंबर तक बूथ लेवल पर अपने नाम जुड़वा सकते हैं। तो दावे आपत्ति करने के लिए अवकाश के दिवसों में 12, 13, 19 और 20 दिसंबर को विशेष कैंप लगाए जाएंगे। इसके साथ साथ निर्देशित किया गया है कि अगर बीएलओ मतदान केंद्रों पर बैठाई नहीं देखें तो इसकी शिकायत भी वो कर सकते। निश्चित तौर पर जिस तरह लगातार शिकायतें मिलती थी उसको देखते हुए पूरी प्रक्रिया की गई है। और चूंकि कोरोना काल चल रहा था, ऐसे में कई चीजें ऑफिस बंद थे, नाम नहीं जुड़ पाए थे, अब ऐसे में एक नई व्यवस्था चुनाव आयोग के द्वारा की गई है। जी बिल्कुल अंकुर, अब ऐसे में जो अभी हाल ही में 18 की उम्र के हुए हैं, जो युवा मतदाता हैं, नए मतदाता हैं, उन्हें भी खबर के बाद ये जानकारी मिल जाएगी कि अब वो वोटिंग कर सकेंगे, तो वो भी अब जाकर कार्यालयों में अपना नाम जुड़वाना शुरू कर दें। इसको लेकर भी क्या किसी तरह की सूचना बोर्ड या फिर कोई इन्फॉर्मेशन जारी की गई है चुनाव आयोग की तरफ से? जी बिल्कुल, जो भी 18 साल की उम्र के हुए हैं उनको नाम जुड़वाने में के लिए वो अपने अपने संबंधित क्षेत्रों में जा सकते हैं। अगर वहाँ नहीं उनको वो नाम जुड़वा पा रहे हैं तो डायरेक्ट मध्य प्रदेश चुनाव निर्वाचन आयोग कार्यालय में भी एक बनाया गया है, सेंटर बनाया गया है, वहाँ सीधे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स देकर वहाँ भी नाम जुड़वा सकते हैं। निश्चित तौर पर लगातार ये देखने में आ रहा था कि नाम जुड़वाने के लिए लोगों को परेशान होना पड़ता था, तो अब एक मुख्य निर्वाचन आयोग कार्यालय में भी एक व्यवस्था शुरू की गई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अंकुर जानकारी के लिए। तो एक नई व्यवस्था शुरू की गई है जिसमें अब बीएलओ अपने कार्यालय में अपने कैबिन के अंदर आपको मिलेंगे। अगर जो नए युवा मतदाता हैं जो हाल ही में 18 साल के हुए हैं वो भी अपना नाम जुड़वा सकते हैं, और किसी तरह के चेंजेस अगर होने हैं तो वो भी करवा सकते हैं। अगर नहीं मिलते हैं बीएलओ तो भी शिकायत की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार के नए किसान बिल के खिलाफ जारी आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल के किसान दिल्ली में बड़ा आंदोलन करने की कोशिश में हैं। हालांकि पुलिस किसानों को दिल्ली जाने से रोकने की कोशिश में जुटी हुई है और जगह जगह बैरिकेड लगाकर किसानों को समझाने की कोशिश की जा रही है। वहीं किसान आंदोलन पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा है और इसे कांग्रेस का आंदोलन करार दिया है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, पंजाब सरकार किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रही है, उनका ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, जबकि किसान समझ चुके हैं कि कांग्रेस किसानों और नौजवानों को धोखा देती है और यह आंदोलन किसानों का नहीं कांग्रेस का आंदोलन है। ध्यान भटकाने की किसानों की कोशिश है। किसानों का वोट कर्जा माफी के नाम पर वहां भी ले लिया मध्य प्रदेश की तरह और कर्जा माफ नहीं किया। अब ये ध्यान भटकाने की एक कुत्सित प्रयास है। किसान आंदोलन नहीं कर रहे हैं, वो कांग्रेस आंदोलन है। और इसलिए किसान समझ चुका है, पंजाब का और देश का भी किसान समझ चुका है कि कांग्रेस किसान को, नौजवान को, सबको धोखा देती है। तो देश में एक बार फिर एक बड़े आंदोलन को हवा मिलती हुई दिख रही है। अलग अलग राज्यों से किसान इकट्ठा हो रहे हैं, किसान बिल को लेकर विरोध हो रहा है। खासतौर पर इसका बड़ा असर पंजाब में देखने को मिल रहा है। पंजाब में काफ़ी आक्रोशित वहाँ के किसान दिखाई दे रहे हैं और अलग अलग राज्यों से किसान जो है दिल्ली कूच करने की तैयारी में है, जिन्हें राज्यों में ही रोकने की तैयारी भी चल रही है, उन्हें समझाइश दी जा रही है। और इस तमाम खबर को लेकर, इस आंदोलन को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर नरोत्तम मिश्रा साहब ने, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा साहब ने अपनी टिप्पणी दी। उन्होंने कहा कि ये किसान आंदोलन नहीं है, ये कांग्रेस आंदोलन है। इसे इसमें जो कांग्रेस है वो किसानों को बहकाने की कोशिश कर रही है, बरगलाने की कोशिश कर रही है, इस तरह की टिप्पणी उन्होंने रखी है। हालांकि अब देखना ये होगा, क्योंकि देखिए किसान आंदोलन को लेकर हमने पंजाब में भी देखा कि अकाली दल जो है उसने भी अपनी तरफ से एक आक्रोश व्यक्त किया है। एक मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया केंद्र से, और उसके बाद अब जो तस्वीर निकल कर सामने आ रही है वो खासतौर पर
ये बताती है कि किसान आक्रोशित है इस मामले में। सरकार भी समझाने की कोशिश कर रही है लेकिन किसान इसे अपने विरोध में, इस किसान बिल को अपने विरोध में मान रहे हैं, इसी को लेकर इतना बवाल हो रहा है। जानकारी दे रहे हैं अंकुर अधवरी, विशेष संवाददाता, एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अंकुर, नरोत्तम मिश्रा साहब का तंज कि ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये कांग्रेस का आंदोलन है, लेकिन ये भी देखना जरूरी होगा कि जिस किसान बिल को लेकर ये विरोध हो रहा है वो किसानों के समझ आ भी रहा है नहीं। अगर समझ आ रहा है तो उन्हें बरगला कोई नहीं पाएगा, उन्हें बहला कोई नहीं पाएगा, और अगर समझ नहीं आ रहा है तो जरूरी है कि समझाने की कोशिश की जाए, वरना ये आंदोलन तो और बढ़ता जाएगा। जी बिल्कुल पारुल, मैं आपको बता दूं कि कृषि बिल जो केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए हैं उसका कांग्रेस शुरुआत से ही विरोध करती आ रही है, और अब जो एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में जो किसान है उसके पीछे प्रदेश के गृह मंत्री ने बताया कि ये पूरा आंदोलन किसानों का नहीं, ये कांग्रेसियों के द्वारा किया जा रहा है। हमेशा किसानों के साथ कांग्रेस ने धोखा किया है। जब मध्य प्रदेश में सरकार बनाई थी तो कर्जा माफी का झूठा आश्वासन दिया था, इसी तरह से पंजाब में भी किया गया। इस तरह से उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हमेशा किसानों के साथ, नौजवानों के साथ कांग्रेस धोखा करती आई है, और अभी भी जो आंदोलन हो रहा है वो किसानों का नहीं, किसानों को बरगला कर ये कांग्रेस करवा रही है। जी पारुल बिल्कुल। अंकुर, अब ऐसे में कांग्रेस की तरफ से क्या कोई टिप्पणी मिल रही है, क्या अभी कांग्रेस इस मामले में कोई जवाब दे रही है या नहीं दे रही है? कांग्रेस का यही कहना है कि जो आंदोलन है ये पूरा आंदोलन किसानों का है, क्योंकि किसान संगठनों के द्वारा ये आंदोलन किया जा रहा है, तो पूरा आंदोलन किसानों का है और इसमें कांग्रेस की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है, ये सिर्फ आंदोलन किसानों का है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस का इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, ये पूरा आंदोलन किसानों का है। हालांकि बीजेपी का यही स्टैंड है कि ये किसानों का नहीं, ये कांग्रेस का आंदोलन है, ऐसे पूरे आंदोलन के पीछे कांग्रेस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल समेत मध्य प्रदेश में बीते एक सप्ताह से हर दिन मौसम का मिजाज बदल रहा है, कभी सर्दी तो कभी गर्मी, और अब बारिश के भी आसार होने लगे हैं। यही कारण है कि अगले 24 घंटे में चंबल, नीमच, ग्वालियर, जबलपुर और छत्तीसगढ़ से सटे जिलों में बारिश हो सकती है। ये बारिश राजस्थान में बने चक्रवात और पश्चिम बंगाल में निम्न दबाव के कारण होगी। हालांकि निवार तूफान का प्रदेश पर सीधा असर नहीं पड़ा, लेकिन इसके कारण हिमालय से आने वाली सर्द हवाएं रुक गई हैं। इससे पहले इससे प्रदेश में रात और दिन के बारे में इसका असर भी पड़ा है। भोपाल में बीती बुधवार गुरुवार की रात का न्यूनतम तापमान 13.8 डिग्री सेल्सियस रहा, यह सामान्य से 0.3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी 48 घंटे तक इसी तरह मौसम में कुछ गर्मी रहेगी। हालांकि ये अभी हाल के तापमान के अनुसार ही चलेगा, लेकिन 28 को एक और पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, इससे सर्दी बढ़ जाएगी। इसका असर 3-4 दिन तक रहेगा। तो देखिए, पहले नॉर्मल जब टेम्परेचर हुआ करते थे, या फिर हम जब पहले के तापमानों की बात करें, तो सर्दी के समय सर्दी होती थी, गर्मी के समय गर्मी होती थी, बारिश के समय बारिश होती थी, क्योंकि हमारा इकोसिस्टम ठीक काम कर रहा था, एनवायरनमेंट हमारा ठीक था। लेकिन अब जैसे जैसे बदलाव हो रहा है, जैसे जैसे हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग होता जा रहा है, फैक्ट्री इंडस्ट्रीज वर्क कर रही हैं, वैसे वैसे पर्यावरण में भी बदलाव हो रहे हैं, और इसी को लेकर ये तमाम चीज़ें भी हम देख रहे हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। रत्नाकर त्रिपाठी जी हमारे न्यूज़र हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। रत्नाकर जी, जैसे कि मैंने कहा कि अलग अलग जगहों पर हम देखें तो टेम्परेचर ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन सर्दी में हम सर्दी ही महसूस करते थे, अब उल्टा होने लगा है, सर्दी में गर्मी भी होती है, फिर थोड़े दिनों बाद बारिश भी हो जाती है। निवार तूफान का सीधा असर तो नहीं, लेकिन हम देख रहे हैं कि सर्दी होना अभी थोड़े दिनों के लिए बंद हो गई है। निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती। जैसा आपने पोल्यूशन का जिक्र किया, जैसा आपने टेक्नोलॉजी का जिक्र किया, उसके चलते जो वेरिएशन आने लगे मौसम में जी, और खासतौर से भोपाल के संदर्भ में अगर हम बात करें तो गैस त्रासदी के बाद से जो यहाँ का मौसम बिगड़ा है, वही वजह आप ये देखेंगे कि सीजनल जो मरीज हैं, सीजनल बीमारियों की उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था जी, लेकिन पिछले करीब 2-3 दशक से ये होने लगा है कि कोई भी मौसम में जरा सा भी चेंज आता है उसके साथ मरीजों की संख्या बढ़ने लगती है। और निवार को लेकर ये बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत ज्यादा एक्सेस डायरेक्ट कोई असर नहीं डालेगा, लेकिन उसके चलते भी यदि कुछ दिन पहले तक बड़ी तेज ठंडक के बाद फिर से गर्मी होने लगी और 28 तारीख के बाद यदि फिर से तेज ठंडक हो जाती है, तो ये जो वेरिएशंस हैं ये ह्यूमन बॉडी झेल नहीं पाती है। और खासतौर से तब जबकि कोरोना का काल चल रहा हो, उसमें ऐसे वेरिएशंस लोगों के लिए और ज्यादा खतरे की बात बन सकते हैं। तो निवार के असर से भले ही मामला यहाँ तक सीमित रह जाए कि जबलपुर में बारिश हो गई, आज उसने तमिलनाडु में भारी तबाही मचा दी, लेकिन
जिसका एक खतरा हमें इस बात के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि 28 तारीख के बाद फिर जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा, फिर जब अचानक बहुत तेज ठंडक पड़ने लगेगी, तो उसके साथ में लोगों के बीमार होने का सिलसिला बढ़ेगा। और खासतौर से कोरोना काल में जब ये कहा गया है कि जितना टेम्परेचर डाउन जाएगा उतना ज्यादा कोरोना का वायरस एक्टिव होता चला जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर डाउन जाने की स्थिति में जो हवा की रफ्तार रहती है कम होती चली जाती है, और उस स्लो रफ्तार को जो है वो स्लो रफ्तार कोरोना के वायरस के करियर के रूप में काम करती है जी। तो निवार भले ही उसका ज्यादातर असर दक्षिणी राज्यों पर हो और वहां से कमजोर होकर निकल जाए, लेकिन मध्य प्रदेश पर जो उसने असर डाला है वो कम से कम कोरोना काल के हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यदि ठंड की कंसिस्टेंसी बनी रहती तो भी लोग यूज टू रहते, अब 3 दिन रात में पंखा चला के सोएंगे, क्योंकि 3 डिग्री टेम्परेचर में वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि यदि टेम्परेचर में 2 डिग्री तक का भी वेरिएशन है तो आदमी के हेल्थ के लिए खतरनाक होता है जी। रात का टेम्परेचर में 3 डिग्री का अगर वेरिएशन आ गया है तो लोगों की सेहत के लिए ठीक बात नहीं है। और अब 28 के बाद जो वेरिएशन आएगा उसके लिए लोगों को तैयार रहना होगा। तो हम ये बांध के बिल्कुल मुतमइन ना हो कि ये तूफान का चक्रवात का हमसे कोई लेना देना नहीं था, इसने मध्य प्रदेश के एनवायरनमेंट को प्रभावित किया, इसलिए बहुत सतर्क रहना होगा। और 3 दिन जो 28 तारीख के बाद की स्थितियों को देखते हुए लोगों को बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेनी चाहिए, खासतौर पर उन लोगों के लिए और भी ज्यादा परेशानी है रत्नाकर जी जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, बच्चे, बुजुर्ग या फिर पहले से ही कोई बीमारी से ग्रसित, उन्हें तो और भी ज्यादा खतरा है इस टेम्परेचर के ऊपर नीचे होने से, और जब ठंड ज्यादा बढ़ जाएगी तो उन्हें और भी ज्यादा सतर्क होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि ठंड के बढ़ने के साथ में कई प्रिकॉशन बहुत जरूरी होती हैं। खासतौर से ये हमेशा से कहा जाता है कि जो हार्ट पेशेंट्स हैं, जो बुजुर्ग हैं या जो कमजोर, जिनका आपने जैसा भी जिक्र किया कि इम्यूनिटी लोगों की लगातार घटती चली जा रही है, इन लोगों को इन चीजों से बहुत बचकर रहना चाहिए। अब ऐसे में क्या होगा कि जब टेम्परेचर कभी अधिक कभी बहुत ज्यादा नीचे चला जाएगा तो लोगों की बॉडी यूज टू नहीं हो पाएगी, उस चीज को बॉडी अपने आप में एडजस्ट नहीं कर पाएगी, एडजस्ट नहीं कर पाएगी, तो इससे बीमारी बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे। तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेने का समय है, ये सोचकर बेफिक्र होने का वक्त बिल्कुल नहीं आया है कि अभी ठंडक चली गई है तो हम रात के समय पंखा चला के सो जाएं, या ठंडक अगर चली गई है तो माहौल ऐसे ही रहेगा। इस किस्म की गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, किसी भी स्तर पर नहीं होनी चाहिए। फैमिलीज को जागरूक करना चाहिए इस दिशा में, कमजोर जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं या कोई भी हो, उन सबको इस मौसम के इस रुख को देखते हुए बहुत ज्यादा मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए, क्योंकि बहुत ही खतरनाक समय चल रहा है और आगे ध्यान बहुत ज्यादा रखना होगा। और बिल्कुल बहुत शुक्रिया रत्नाकर जी। तो ध्यान रखना बेहद जरूरी है और खासतौर पर कोरोना काल चल रहा है और मौसम भी अपने तेवर दिखा रहा है, यानी ठंड के समय पर ठंड तो है लेकिन ठंड के साथ गर्मी भी, और फिर उसके बाद तेजी से सर्दी वापस आएगी, तो जाहिर है वेरिएशंस जो क्लाइमेट में हो रहे हैं वो आपकी हेल्थ पर, आपकी बॉडी पर ठीक प्रभाव नहीं डालेंगे, जिसके चलते आपको इन सभी से बचना है और साथ ही साथ कोरोना से तो बचना ही है। लेकिन देखिए कोरोना भी अपने पैर लगातार पसार रहा है, मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी का कहर लगातार जारी है। प्रदेश में आए दिन 1700 के पार मरीज मिल रहे हैं। प्रदेश में शुक्रवार तक कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 2 लाख के पार हो जाएगी। बुधवार को प्रदेश में 1773 और भोपाल में कोरोना के 329 पॉजिटिव मिले। इसी के साथ अब प्रदेश में संक्रमितों की कुल संख्या 1,98,284 पर पहुंच गई। खास बात यह कि पन्ना, अशोकनगर, डिंडौरी, बुरहानपुर, आगर मालवा, निवाड़ी ऐसे 6 जिले हैं जहां अब तक संक्रमितों की संख्या 1,000 से कम है। कोरोना संक्रमण के एक्टिव केस बुधवार को बढ़कर 13,742 हो गए। एक ही दिन में करीब 800 केसों में बढ़ोतरी। भोपाल में भी एक्टिव केसेस की संख्या करीब 2,500 पार हो गई। वहीं भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज और एक निजी अस्पताल में तीसरे चरण के क्लिनिक ट्रायल के लिए ICMR और भारत बायोटेक इंटरनेशनल के कोवैक्सीन ने की पहली जो खेप है वो बुधवार को भोपाल पहुंच गई। कोवैक्सीन का पहला टीका 27 नवंबर को निजी अस्पताल में लगाया जाएगा। यहां करीब 100 वॉलंटियर ने तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल में कोवैक्सीन का टीका लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है। तो एक तो कोवैक्सीन के बारे में हम बात करेंगे, दूसरा जो कोरोना के बढ़ते हुए मरीजों की संख्या है और जो बदलता मौसम है, तमाम चीजें। रिजवान संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है, इसको लेकर रजिस्ट्रेशन भी करवाना शुरू हो गया है और उसके बाद ये अच्छी खबर है कि वैक्सीन मिलना शुरू हो गई है। वैक्सीन को लेकर हालांकि ऑथेंटिसिटी नहीं, लेकिन फिर भी कोवैक्सीन के बाद ये तो आसार हैं कि वैक्सीन है। और उसके अलावा भी हम देखें तो कोरोना महामारी जिस तरह से बिल्टअप हो रही है, जिस तरह से बढ़ती जा रही है, इसको लेकर सरकार के क्या इंतजाम हैं, ये आंकड़े जो बढ़ रहे हैं इसको लेकर जागरूकता अभियान एक बार फिर से चलाने की जरूरत है। किस तरह की खबरें आपके पास कोरोना को लेकर
रजवान बताना चाहूंगा, लगातार प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं कोरोना के मामले किसी तरह कम हो, उसको लेकर तमाम जो जागरूक अभियान है वो किए जा रहे हैं। एनजीओ की जो टीमें हैं वो लगी हुई हैं इसमें, क्या मास्क जो है वो बांटे जा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, लेकिन उसके बाद भी जो है कोरोना के जो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कहीं बढ़ने का नाम ले रहा है। एक्टिव केस अगर हम बात करें तो 2500 से अभी ज्यादा राजधानी भोपाल में एक्टिव केस है और 500 से ज्यादा जो है मौतें हो चुकी हैं और जो प्रयास है वो लगातार जारी है, लगातार जो 300 से ज्यादा मामले जो है राजधानी भोपाल में रोज सामने आ रहे हैं। चलिए बहुत शुक्रिया रिजवान जानकारी के लिए। तो प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी, एक बार फिर से जो कोरोना रिटर्न हुआ है उसने लोगों को परेशान कर दिया है। अब एक बार फिर से मरीजों की खेप निकल कर सामने आ रही है, 300-400 के पार मरीज राजधानी में ही हैं, इंदौर की भी हालात ठीक नहीं है। ऐसे में बचना जरूरी है और बचने के लिए क्या करना है आप सभी जानते हैं, मास्क लगाना है, सैनिटाइजर का प्रयोग और सोशल डिस्टेंसिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, 2 गज दूरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी। लेकिन क्या आप इन तमाम चीज़ों का पालन कर रहे हैं, इसको भी ध्यान में रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।